करम पूजा को लेकर केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की के नेतृत्व में प्रेस वार्ता रखी गई। केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि इस बार करम पूजा महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक पूजक आदिवासी करम पूजा महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। करम पूजा में आदिवासी प्राकृतिक के प्रति आभार प्रकट करते हैं। प्राकृतिक में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका होती है। करम दाल की सेवा से सुख और शांति मिलती है, मनोकामना की पूर्ति होती है। भारत के आदिवासियों के बीच कर्म का विशेष स्थान होता है। कर्म ही जिंदगी है, कर्म कभी मरता नहीं। समस्त झारखंड वासियों को आगामी करम पूजा का हार्दिक और अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई है। और आज हम लोग केंद्रीय सरना समिति व अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की केंद्रीय कार्यालय 13 RIT बिल्डिंग कचहरी परिसर रांची में करम पूजा को धूमधाम से मनाने के लिए आज प्रेस वार्ता हम लोग ने रखा है। और बीते 2 वर्षों से हम लोग जो कोरोना काल से ग्रसित थे, एक पेंडेमिक से हम लोग जूझ रहे थे, जिसके कारण हम लोग करम त्यौहार को नहीं मना पाए थे। लेकिन इस वर्ष हम लोग समिति ने निर्णय लिया है कि करम पूजा धूमधाम से और बड़े हर्षोल्लास के साथ में हम लोग इस बार मनाएंगे। इसके लिए आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखे हैं और आगामी 6 सितंबर 2022 को उपवास एवं रात्रि में 8 बजे पूजा है। 7 सितंबर 2022 को परना एवं 8 सितंबर 2022 को विसर्जन का कार्यक्रम होगा। क्योंकि करम पूजा प्राकृतिक पूजक आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसको बड़े ही उल्लास एवं धूमधाम से मनाते हैं। और यहाँ दूर दूर में जो भी काम करने गए हैं अपना देश विदेश, ऐसे लोग सभी लोग अपने गांव घर वापस आते हैं। और हाय एवरीवन, माय नेम इज सपना करकेट्टा, आई एम फ्रॉम रांची झारखंड। माय एज इज 16 इयर्स ऑल ऑन द कंटेस्टेड मिस एंड मिस्टर टीन इंडिया 2022। माय हॉबीज इज डांसिंग एंड मॉडलिंग एंड सो प्राउड फील फॉर यू। एंड अगर आप मुझे व्यूअर चॉइस बनाना चाहते हो तो सो प्लीज़ टाइप करें एली क्लब स्पेस सपना करकेटा 57575 पर सेंड कीजिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।